खरीदी हूँ। मम्मा बेटा को गाय जहाँ पे हो रहा है पैसे के लिए झगड़ा, सारे पैसे खा गए मेरे से रोज, कभी 5 रुपीज कभी 10 रुपीज लेकर, और अभी अपना हिसाब कर रहे हैं कि आप ही ना खरीदी हो। मैं क्या खरीदी हूँ? अब दीदी का कुर्ता खरीदी हो। अच्छा, दीदी का कुर्ता खरीदी हूँ, तो वो आपका पैसा से थोड़े ना खरीदी हूँ, तो दीदी का पैसा था। क्या दीदी जब शादी में गई थी तो दीदी को पैसा मिला था ना, तो उससे खरीदी थी। पैसे के बहुत हिसाब रखते हैं, बहुत ज्यादा। तो 5 रुपीज दो। 5 रुपीज अभी इवनिंग में दी थी ना दीदी, दी थी ना कुल्फी खाने के लिए। मॉर्निंग में 5 रुपीज, इवनिंग में 5 रुपीज, फिर दादू से 5 रुपीज। बहुत तेज है, मुँह में नहीं फिंगर्स लेते हैं, गंदी बात। और खांसी हो रखी है गाइस, आप देख सकते हो इसे, जोर से खांसी हो रखी है। और इतना खेल कर आया है कि पूरा भीगा हुआ है, जैसे लग रहा है कि नहा कर आया है। और डैडी मुझे पैसे दिए हैं पर बोले हैं सॉरी सीन को नहीं देना। दिखाओ कितना पैसा है। 5 रुपीज है। 5 रुपीज नहीं तो 500। 500। अच्छा, पता है कि 500 होता है? हाँ। ये मेरा नहीं है तो बड़ी वाली मम्मानी का है, मतलब सिलेंडर लेना है ना उनको। पैसा को बहुत पहचानता है, बहुत ज्यादा पहचानता है पैसे को। मुझसे पूछ रहा है पैसे आपको कौन दिया है, तो मैं बोली डैडी दिए हैं, तो बट बोले हैं कि शौर्य सिंह को नहीं देना, शौर्य सिंह सारा पैसा खर्चा कर देता है, तो इसलिए मैं शौर्य सिंह को नहीं दूंगा। डैडी थे तो कितना सारा पैसा मुझे देते थे, मुझे इतना भी देते सारा, इतना सारा पैसा देते थे, है ना मामा। जब मैं स्कूल जाता था तो डैडी रोज मुझे दिलाते थे ना कुछ। इसके डैडी रोज चीजें दिलाते थे स्कूल जाने से पहले। अब कोई नहीं दिलाता ना, मम्मा तो दिलवाती है, जितना मम्मा के पास पैसा होता है उतना दिलवाती है ना। हाँ, और मेरा पैसा आप खर्च कर, तो मैं आपको 200 दिया खर्च। और मैं सौम्या का बनियान लाई थी तो बोल रहा मम्मा आजकल मैं देख रहा हूँ, मतलब क्या देख रहे हो, तो बस जो सामान आ रहा है दीदी का ही आ रहा है, तो आज से ही दीदी का हिस्सेदार बन रहे हैं, दीदी का हिसाब लेते हैं कि मतलब दीदी का आया तो मेरा भी आना चाहिए। आइए 300 का टॉयज लिए सो नहीं अपना देखते हैं, दीदी का तो बस एक बनियान आया, कुर्ता आया, तो कुर्ता तो दीदी के पैसे से आया, मैं तो मम्मा बस एक बनियान ही उसका ली थी। हाँ, तो मेरा खाली एक चीज। हाँ, तुम्हारा खाली एक चीज। रिमोट कंट्रोल नहीं, मतलब खींचने वाला गाड़ी लूंगा। गाड़ी लूंगा, तोड़ दूंगा 2 मिनट में। नहीं। हाँ। देखो ऐसा लूंगा। कैसा? खींचो चलो। मतलब थोड़ा बड़ा आइटम में जो बड़ा नहीं आता है इसे हाथ से चला लेना। हाँ। पैसा कहाँ से आएगा? आप दोगी। तो मैं कमा रही हूँ। कमा रही हो? कहाँ कमा रही हूँ? कमाती मम्मा तो एक बात भी था, मम्मा तो कमाती नहीं है, डैडी कमाते थे तो डैडी को दुनिया से लोग लेकर चला गया, कि आप लोग को कष्ट हो, आप लोग का कष्ट देख के लोगों को अच्छा लगेगा, इसीलिए डैडी को लेकर चला गया सब लोग, है ना। डैडी थे तो आप लोग खुश रहते थे, मम्मा भी खुश रहती थी, तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोगों ने डैडी को लेकर चल गया। रोना मत, रोना मत, रोने नहीं देता है मुझे, इसके सामने तो मैं रो नहीं सकती हूँ। खा
खांसी हो गई है गाइस, जिसे सॉरी इनको खांसी हो गई है गाइस। चलो अभी मैं खाना बना लेती हूँ, खाना का टाइम हो रहा है, 7 o'clock हो गया है। चीटर 500 छुपा रहा है, 500 दे रहा है, बहुत चीटर है। लाओ दोनों लाओ, मारेंगी मामी, बड़ी वाली मामी। तो गाइस चलिए मिलती हूँ मैं खाना बना के आप लोग से। एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं काम अपना कंप्लीट कर रही थी और उसके बाद मैं चली जाती हूँ कंप्यूटर क्लास, तो चली गई थी। उसके बाद अभी आके रिलैक्स हुई हूँ, खाना खाई हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके नहीं जाती हूँ, तो बस आके खाना खाई हूँ। मैं सोची आप लोग से थोड़ी बहुत बातें कर लूँ। तो कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, आप लोग को पता है कि कल मेरा एनिवर्सरी था, तो कुछ कुछ ऐसे बातें थी कि अगर मैं आप लोग से बातें करने लगती तो इमोशनल हो जाती और फिर रोने लगती, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं सोची कि नहीं ही आज ब्लॉग बनाती हूँ। तो बहुत लोग का कमेंट्स आ रहा था कि आप अपना ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड की, तो मैं थोड़ा सा सौरभ के साथ मस्ती करते हुए थोड़ा सा बनाई हूँ, बट नहीं पूरा कर पाई क्योंकि कल मूड नहीं हो रहा था मेरा। और फिर वही बात है ना, ऐसी बात होती है याद करो, याद करके फिर रोना तो आ ही जाता है। तो मैं सोची नहीं यार, रोना फिर सबको अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कल ब्लॉग सॉरी नहीं बना पाई। बट कमेंट कर पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मैं ऐसे सोचती हूँ ना कि हो सकता है मेरा ब्लॉग किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, मेरी बातें किसी को नहीं पसंद होती होगी, बट कमेंट्स पढ़ के मेरा दिल ऊंचा हो जाता है कि चलो कोई मेरा ब्लॉग्स का इंतज़ार कर रहा है। तो थैंक यू, दिल से थैंक यू। और एक सौम्या है, सौम्या मेरी हर वीडियो देखती है, पता नहीं मेरे से बड़ी है या छोटी है, नहीं पता क्योंकि पिक्स अपना नहीं लगा रखी है। तो मैं वो सिस्टर को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और मेरी बेटी का भी नाम सौम्या है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट्स पढ़ के कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हो। और एक फ्रेंड थी वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही थी, तो मैं उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई तो कर दी थी कि आज ऐसा ऐसा बात है। तो सब लोग मुझे समझाता है बस इमोशनल नहीं हो, रो वो मत, बट यार स्थिति ऐसा है ना कि नहीं भी सोच के, मैं तो बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने आप को, बहुत कंट्रोल करती हूँ, नहीं तो ये रिश्ता ऐसा होता है ना कि लोग पागल हो जाएगा एक दूसरे के बिना। फिर भी मैं कंट्रोल करके रह रही हूँ, क्या करूँ, रोऊंगी, पागल होऊंगी, पटकाऊंगी, पर वापस तो आएंगे नहीं ना। अगर वो वापस आ जाते ना तो मैं अपने आप को खुदकुशी भी कर लेती कि अगर मैं खुदकुशी कर लेती हूँ तो वो वापस आ जाएंगे, तो मैं ऐसा भी कर लेती, बट क्या करूँ, अब आएंगे नहीं वो वापस, मेरे पास नहीं आएंगे वो। तो मुझे बच्चे के लिए जीना है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, उनको पालन पोषण करना है, पढ़ाई लिखाई करवाना है, उनके लिए मुझे जीना है, उनके लिए मैं जी रही हूँ, लड़ रही हूँ, हर चीज़ उनके लिए ही कर रही हूँ मैं। मैं रोज़ भगवान को भी बद्दुआ करती हूँ, लोगों को करती हूँ, बट मैं ज़्यादा भगवान को करती हूँ कि भगवान अगर तुम नहीं चाहता तो मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं होता। लोग कहता है बिना भगवान का एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मेरे हस्बैंड की मौत तो बड़ी दूर की बात है। तो बस भगवान ये है ना, अपने आप ऊपर अजलंक नहीं लेता है, बस ये हो गया, वो मार दिया, वो मार दिया, अरे ठीक है। मैं मारने वाले के लिए भी सोचती हूँ, साला कितना निर्दयी था यार, किसी का जान लेना, कैसे वो जान ले सकता है किसी का। मुझे बहुत दर्द होता है इस चीज़ सोच के, मुझे उस टाइम ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड कितना रोए होंगे, कितना चिल्लाए होंगे उस टाइम, कितना
ना उनको दर्द फील हुआ होगा, कैसे वो तड़पते होंगे, मुझे वो सब चीज़ ना माइंड में घूमते रहती है घूमते रहती है। उस टाइम उनको क्या फील हो रहा होगा, उनको ऐसा लगता होगा मेरा तो कोई भी नहीं है, पर मैं नहीं जान रही थी ना कि आप कहाँ गए हो, कहाँ हो, क्या आपके साथ हो रहा है। मैं ऐसा जानती तो आपको कभी भी नहीं छोड़ती, मैं जाने ही नहीं देती घर से आपको उस दिन। बट यही था ना, मैं नहीं जान रही थी आपके साथ क्या हो रहा है, आप कहाँ गए हो, मुझे नहीं पता था, जा रहे हो तो आप वापस नहीं आओगे। तो ये सब बातें ना मेरे माइंड में घूमते रहता है घूमते रहता है। अगर मैं ऐसा जानती तो मैं इनको घर से उस दिन बाहर नहीं जाने देती, रूम में लॉक लगा के रख लेती, बट नहीं जाने देती मैं। उनके बिना मेरा क्या जिंदगी है मैं ही जानती हूँ, किससे कहूँ किसको सुनाऊँ, कोई नहीं सुनने वाला है, नहीं कोई कुछ करने वाला है। उनके बिना क्या जिंदगी मैं जी रही हूँ, खाती भी हूँ हंसती भी हूँ टाइम पास भी करती हूँ हर चीज़ करती हूँ, बट जो वो फीलिंग है वो मेरे दिल को दुखाते रहता है 24 घंटा दुखाता है, वो थे तो ऐसे वो थे तो ऐसे। अपने बच्चे को देखूंगी बोलूंगी दुनिया में सबके डैडी हैं इनके डैडी नहीं हैं, तो ये सब बातें हैं जो मेरा सर में दर्द दिलाता है। मैं भगवान को हर रोज़ कोसती हूँ, हर रोज़ कोसती हूँ, भगवान तूने क्या किया, अगर करना था तो क्यों ज़िंदगी दिया था, कि अगर ना टाइम से पहले किसी को ले जाना है तो ज़िंदगी ही मत दो। जब तुमको अच्छा नहीं लगता है तो कितने बूढ़े बूढ़े लोग मारे चल रहे हैं सड़क पे फेंके चल रहे हैं, उनके लिए मौत नहीं है, उनके लिए जगह नहीं है। बट जिसके लिए ना घर में अंधेरा हो पूरा अंधेरा हो, उसके लिए भगवान के ऊपर जगह है। भगवान नहीं है कलंक है, आज के डेट में जैसे आदमी कलंक है ना वैसे भगवान भी कलंक है। भगवान होता ना तो ऐसा नहीं करता, ये मेरे छोटे छोटे मासूम का छाया नहीं छीन लेता। अगर भगवान होता है तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये मोटू राम सोए हुए हैं, मोटू राम के ऊपर मैं सोई हूँ। ये मोटू राम बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और शौर्य सिंह तो रात में जो मेरा बुरा हाल किया है, मेरा नींद भी कंप्लीट नहीं हुआ था, इतनी खांसी उसे तेज हो गई थी, इतनी खांसी मैं तो डर गई थी, उसके सांसें ऐसे जैसे कुत्ता हाफ लेता है हा हा करके इस टाइप का कर रहा था, उठ रहा था, बहुत बेचैनी टाइप का उसे रात में हो गया। मैं उसे ताकि घी देके और भिक्स लगा के सुलाई थी, बट रात में बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद फिर से मैं उसे ऐसे देखी तो मुझे अकबकाहट सा होने लगा। मैं उठी गोद में ली उसे, और गोद में लेने के बाद मैं उसे ऐसे पीठ सहला रही हूँ, बट मान ही नहीं रहा, नहीं तो गोद में रह रहा है नहीं कुछ, मुझे बहुत घबराहट सी हो गई थी। मैं एक बार सोची कि अपने घर पे फ़ोन करूँ, लेकिन फिर मैं सोची रात में उन लोग भी परेशान हो जाएंगे, फिर मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर उसे उल्टी हुई, बहुत ज़्यादा कफ सा निकला, कफ सा निकलने के बाद उसके सर में पेन होने लगी, सर दबाई रात में पैर दबाई, उसके बाद उसे फिर से भिक्स लगाई, भिक्स उक्स लगा के लगता है 2 बजे जाके सौरे सोया, फिर मैं भी थोड़ी सी सोई जाके। मतलब डर सा लगता है, अब जब इन लोगों को कुछ होता है ना तो मुझे डर सा लगता है। मैं रात में भी प्रेयर कर रही थी कि अब कुछ भी कष्ट देना है भगवान मुझे दे दो, मेरे औलाद को अब कष्ट मत दो, बहुत कष्ट दे दिया मुझे, अब जो देना है मुझे दो, मेरे बच्चे को मत दो कष्ट, मैं झेल लूँगी हर चीज़ कर लूँगी। बट इन लोग को देख के मुझे नहीं झेला जाता है, रात में मुझे देख के बेचैनी सा हो गया था बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा डर सी जाती हूँ। और इसके डैडी थे तो वही हैंडल करते थे, और मैं कभी ऐसे हैंडल नहीं की हूँ, तो मुझे बहुत घबराहट सी हुई थी उसे देख के। और पहले ऐसे नहीं करता था, पहले भी इसे खांसी होती थी, इसे निमोनिया का शिकायत है तो होती थी खांसी से हमेशा, बट रात में जो इसके सांसें चलने का तरीका था ना बहुत ही अलग था, बहुत घबराहट सी हो गई थी मुझे उससे। और
गाइस यहाँ देख सकते हो सौम्या सिंह है, इनसे भी मिल लो आप। और लाइट बंद है रूम का, इसीलिए वीडियो में थोड़ा सा अंधेरापन सा आ रहा है, तो गाइस ब्लॉग हो जाएगी बहुत लंबी, तो इसलिए मैं यहीं पे करती हूँ एंड। और सौम्या लाइट जला दी है, देख सकते हो लाइट जलने के बाद उजाला हो जाती है। खुद को दिखाने की लाइट जलाई है तो देख लो आप लोग। नहीं, और स्कूल ड्रेस पहन के लेटी हुई है। मुझे स्कूल जाना है। मुझे स्कूल जाना है। कहाँ के स्कूल जाओगी? गया की गुड़गांव? गुड़गांव। अब गुड़गांव ही याद आ रहा है। एक चीज बताओ, गया आता हूँ तो गुड़गांव का याद आता है, गुड़गांव जाता हूँ तो गया का याद आता है। तब तो गुड़गांव कैसे जाओगे? कैसे नहीं जा सकता, कैसे जा सकता, कौन खर्चा देगा, पढ़ाई कहाँ से पूरा होगा। मैं कमाने लगूंगी तो लेकर चलूंगी तो गाइस चलिए प्लीज मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और थोड़ी सी कल का भी ऐड करना है मुझे। तो अगर प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा सब लोग, बाय बाय।